राधे राधे, आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा गुप्ता ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग फिट हैं, फाइन हैं। तो आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये ब्लॉग कृष्णगिरी ब्लॉग 2 है और इसमें मैं आप लोगों को हगैनिकल फॉल्स दिखाऊंगी। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं मुर्गन इडली शॉप पे गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि कृष्णगिरी में आता है। और फिर वहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें होगैनिकल फॉल्स भी विजिट करना चाहिए, जो कि धर्मापुरी तमिलनाडु में है और कृष्णगिरी तमिलनाडु में ही आता है। तो वो ये वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम इतने दूर आए हैं तो हम ये वाटरफॉल भी कवर कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर बैंगलोर से होगैनिकल फॉल्स जाना चाहते हैं तो आप लोगों को 125 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, और अगर आप कृष्णगिरी जाके होगैनिकल फॉल्स जाते हैं तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 92 किलोमीटर्स की दूरी तय करना पड़ेगा, जो कि 92 किलोमीटर्स की दूरी आप लोगों को मैं बता रही हूँ मुर्गन इडली शॉप से आपको 92 किलोमीटर्स की दूरी तय करना पड़ेगा होगैनिकल फॉल्स देखने के लिए और जाने के लिए। तो क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा वाटरफॉल है और आगे के व्लॉग में आप देखेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby. Let me love you crazy. Let me hold you down like that. Guys, hum log Organical Falls pahunchne wale hain, bas thodi dur pe hi hai. To और यहाँ पे देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। चुके हैं होगैनिकल फॉल्स और मेन वाटरफॉल अंदर में है और मेन रोड से आपको अंदर चल के जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट आई थिंक 1 किलोमीटर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं होगैनिकल फॉल्स देखने के लिए, क्योंकि आज वीकेंड है तो बहुत सारे लोग आए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप जब भी विजिट करते हो होगैनिकल फॉल्स, आप कभी भी छुट्टी वाले दिन या वीकेंड में मत आइए। और यहाँ से मेन एंट्री स्टार्ट होता है होगैनिकल वाटरफॉल का, और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का एंट्री फीस 50 रुपीज़ है और आपको बोटिंग का अलग चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, तो मोस्टली आप वीक डेज में आने का ट्राई करिए तो आप अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। और ये वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। काउंटर
वॉटरफॉल के पास, और जब आप पास में जाके बैठ के ये वॉटरफॉल देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में। और पूरा होगेनकल फॉल्स घूमने के लिए आप ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आप लोगों को वाटरफॉल के दूसरे साइड का विज़िट करवाऊंगी, और अभी हम लोग अपने बोट ड्राइवर के आने का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर व्यू लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, और बहुत ही पसंद आया मुझे ये वाटरफॉल। आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा ये पूरा वाटरफॉल घूमने के लिए। तो चलिए अभी वेट करते हैं हमारे बोट ड्राइवर के आने के लिए, ताकि हम आगे आप लोगों को और इसका एरिया दिखा सकें। हमारा बोट ड्राइवर आ चुका है, और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ पे हर बोट ड्राइवर अपना बोट आगे ले जाने के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आगे के एरियाज़ को देखने के लिए। होपफुली आप लोग भी ये वाटरफॉल पूरा घूमने के लिए एक्साइटेड होंगे, तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू आप लोगों को देखने को यहाँ से मिलेगा। होगेनकल फॉल्स जरूर आए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है ये कि तमिलनाडु में है हम, तो थोड़ा गर्मी है। और हमारे अंकल को भी दिखा दो, यही हमको एकदम ये अंकल आप तो यूट्यूब पे डालेंगे हाँ। हमारे अंकल जो मिले हैं अपना घुमा रहे हैं मस्त, एकदम बोट राइडिंग करा रहे हैं। आप लोग भी अगर बैंगलोर आते हैं, या तो जो मुझे बैंगलोर से देख रहे हैं वो तो यहाँ पे आए ही होंगे, और जो बैंगलोर से नहीं देख रहे हैं अगर बैंगलोर आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए, बहुत अच्छा जगह है। फैमिली के साथ विज़िट करिए, लेकिन अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में ही आप आइए। उसके पहले आप आएँगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी लगेगा, एकदम हालत टाइट हो गया है यहाँ। बस यही है, और तो मस्त है। लाइक
शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्या देखी क्या? Water, uncle. Hi, this is Kaveri water in organical waterfalls. It is called in India Niagara. Okay. Yeah, both state having here Karnataka, here Tamil Nadu central only this Kaveri river going on. So always fighting this state Tamil Nadu in Karnataka. Because of this the only. Yeah. Because of this only Friday band was yeah, there, right? Friday, day yesterday, Friday no. That day also band also this river. This river only. कावेरी वाटर चलो भाई यहाँ से लेके चलते हैं अंकल यहाँ बॉटल ही नहीं तो भर लेते कावेरी वाटर लेके जाते इसी से बाल धोती मैं रोज द मदरलैंड ऑफ इन इन साउथर्न स्टेट इन कावेरी रिवर अंकल यू विल स्टॉप ओवर देयर यू वांट फोटो यस ओके यू कैन गो एंड क्लाइम डाउन टेक एन फोटो देन वी विल गो बैक Okay. It was up only the end of the border. Okay. So otherwise no one allowed in tourist in that area. Why means? Because the wild forest started. Okay. A lot of wild animals coming here drinking water then we go to the forest. Oh, yeah, so yeah, that's yeah. why tourists not allowed here. गाइस यहाँ अभी अंकल ने बोट रोका है और हम अभी आइसलैंड पे जा रहे हैं फोटो क्लिक करवाने हैं ना अंकल ये हमारे अंकल जो हम लोग को बोट राइडिंग करा रहे हैं थैंक यू अंकल थैंक यू Feeling so good guys, please do come here to enjoy this environment. यहाँ पे आइए अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा कॉमेंट करिएगा चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ से देखिए कितना ही प्यारा व्यू है बहुत ही सुंदर लग रहा है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके बस थोड़ा सा गर्मी है यहाँ पे और उसके अलावा तो सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है नेचर को देखना मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है तो इसलिए आई एम फीलिंग वेरी गुड बहुत अच्छा अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करेंगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ न्यू कंटेंट के साथ तब तक के लिए राधे राधे बाय बाय सी यू सून